अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। देवानंद साहू, मेरी पत्नी श्रीमती धनेश्वरी साहू, बजरंगपुर नवा गांव, वार्ड नंबर 1, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं पर बैठे हो दिखे, इधर बैठे हैं इस साइड, देखिए हाथ हिलाइएगा, कैमरे वाले कैच करिए। बच्चे को लाई हैं क्या? लाए हैं? अगर बच्चे को लाए हो तो लेकर व्यासपीठ पर आ जाए, अगर लाए हो तो लेकर व्यासपीठ पर आ जाए। देवानंद साहू, मेरी पत्नी श्रीमती धनेश्वरी साहू, बजरंगपुर नवा गांव, वार्ड नंबर 1, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। एक लोटे जल का महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव, मेरे विवाह को 25 साल हो गए थे, 25 साल पूरे निकल गए, संतान का सुख नहीं था बाबा। दुनिया के लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक इंतजार करते हैं गुरुदेव। अब हम आपसे पूछें, यहां मेरी जीजियां भी बैठी हैं, यहां मेरे जीजाहुन भी बैठे हैं, यहां मेरी बेटियां भी बैठी हैं, बेटे भी बैठे हैं, एक विचार करिएगा, जरा विचार करिए। मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं ना, वो हृदय पर हाथ रखकर बोलना, विचार कर बोलना, एक नारी कितने साल तक बच्चे का इंतजार कर सकती है कि मुझे संतान होगी? 1-2 साल नहीं हुई तो 2-4 साल में हो जाएगी, 5 साल में हो जाएगी, 6 साल में हो जाएगी, 7 साल में हो जाएगी, 8 साल में हो जाएगी। पर ईमानदारी से बोलो, 10 साल पूरे निकल जाए तो फिर संतान होने का कोई योग रह पाता है क्या? अरे बोलो तो जम के, ऐसा मन में रहता है कि अभी और औलाद होगी? 10 साल तक औलाद नहीं हुई, चलो फिर विचार करा कि 10-5 साल और इंतजार कर लूं, 15 साल में औलाद हो जाए तो भी बाबा अब औलाद नहीं हुई। फिर विचार करा कि औलाद 15 साल तक नहीं हो तो कम से कम 20 साल में औलाद हो जाए। शादी के 20 साल, 25 साल निकल गए, और यहां लिख रहे हैं साहू जी कि मेरी विवाह को 25 साल निकल चुके और संतान का सुख नहीं हुआ। तब मैंने पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, और टीवी पर सुनकर शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बाबा तो बाबा हैं, ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि मेरे घर में 25 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। 25 साल के बाद फोटो आप लोग टीवी पर देख सकते हैं, और बच्चा अगर उलाए होंगे तो यहां लेकर आएंगे। 25 साल के बाद, अब 25 वर्ष के बाद औलाद होना, 25 साल के बाद संतान सुख प्राप्त होना, महाराज ये उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता, और तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु लेते हैं श्वास कृपा से, बखान क्या चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, गंग धार मुक्ति द्वार ओंकार तो बाबा आयो शरण तिहार शंभुतार, बखान क्या करूं राखूं चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। उसकी कृपा, ये उसकी दया, ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता है। लोग तुमसे पूछें कि एक लोटे जल का महत्व क्या है, लोग तुमसे कहें कि बेलपत्री खाने से क्या होता है, दुनिया के लोग कहें शिवपुराण सुनने से क्या होता है, उनको बताना
जब व्यक्ति पूरी आस छोड़ देता है और भोलेनाथ पर जब आश्रित हो जाता है तब 25 साल के बाद भी औलाद जन्म ले लेती है, यह प्रमाण है शास्त्र। अब तो खुश हुई है, अब रोने का नहीं, अब तो बाबा ने दे दिया ना। अरे लुटा दिया भंडार कर दिया माता, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया कर दिया माता। आपने दिल से अगर पुकार